बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जयकार हम सब भक्त मंडली की आज के आनंद की साहे। आइए मैं बताता हूँ इस गुरु पर्व का महात्म क्या है, आप समझना। रक्षाबंधन का एक महात्म है नहीं है, भाई दूज का एक महात्म है या नहीं है, करवा चौथ का एक महात्म है या नहीं है। वो तिथि त्यौहार हमें कर्तव्य बोध कराते हैं कि भाई शादी हो गई बहन को तुम भूल गए, रक्षाबंधन तुम्हें याद दिला देता है। इस तरह ये गुरु पूर्णिमा हमें एक चीज़ के लिए इंगित करती है। अब गुरु पूर्णिमा में क्या होता है वो मैं बताऊंगा, आप मुझे लालची कभी नहीं समझना। मैं कोई भी पैसा परोक्ष अप्रोक्ष रूप से अपनी काया के लिए नहीं लगाया आज तक, अपनी पेंशन से जीव का गुजारता हूँ। अब मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं लेता। एक लड़के ने कहा गुरु महाराज अनाज चढ़ाते हैं वो भी ले लेते हो, भैंसा चढ़ाते हैं वो भी ले लेते हो, फल चढ़ाते हैं वो भी ले लेते हो, जो कुछ हम देते हैं वो भी ले लेते हो, और आप कह रहे हैं मैं कुछ नहीं लेता। मैं कहा सुनो, दुनिया का चढ़ाया हुआ सामान मैं ठीक इस्तेमाल करता हूँ, मैं नहीं लेता। मैं इस आश्रम में जो रहता हूँ अपने भोजन के पैसे भी देता हूँ, नहीं तो डॉक्टर साहब से पूछ लेना 1-1 लाख रुपया, फिर मैं हिसाब करके चेक दे देता हूँ। तो मैं इस सेवा के बदले कुछ नहीं लेने वाला, फिर तो मैं नौकर हो गया। अगर ये कार्य करने के बाद कुछ परिश्रमी की ले रहा हूँ आश्रम से, फिर मैं सेवक नहीं हूँ, फिर मैं हूँ नौकर, फिर मैं नौकर हूँ, इसलिए कुछ नहीं लेता हूँ। बस एक ही इच्छा है कि मैं अपने जीवन काल में गुरुदेव ने काम सौंपा था उसको पूरा करना है। मुझे एक बात कही थी, मधु आराम नहीं करना, जीवन अमूल्य है, जितने लोगों को भक्ति में जोड़ सको जोड़ना, इसके लिए मैं चलता रहता हूँ। आज गुरु पूर्णिमा का महत्व तो बताऊँगा, ध्यान से सुनना। ये क्यों मनाया जा रहा है, गुरु पूर्णिमा पर क्या किया जाता है, कोई बता सकता है? गुरु की पूजा और क्या। किसी भी संस्था को चलाने के लिए धन की जरूरत है नहीं? आप एक घर चलाते हैं आपको धन नहीं चाहिए क्या? हमें धन नहीं चाहिए, चाहिए, पर सुकृत अंश से सही तरीके का, उसमें 3 भिक्षा नहीं लेना है हमें, वो वर्जित है। मानस, राजस और तामस। मानस क्या होता है वो नहीं लेना है, मैं भिखारी भी नहीं बनना है। मेरा जन्म उस कुल में हुआ है जो दान देता है, दान लेने वाले कुल में मैं पैदा नहीं हुआ हूँ। हमारे पूर्वज बहुत दानी थे, मैं दान लेने वाले कुल में पैदा नहीं हुआ हूँ, दान देने वाले कुल में हुआ हूँ पैदा। कोटि बार प्रभु मही को जीता, राम जी ने कई बार पृथ्वी पूरी जीती, मही जीती विप्रन को दीना, और वो सब ब्राह्मण को दान में दिया था। दान नहीं खाता मैं, वर्जित है मेरे लिए दान खाना, इसलिए ही तो मैं अपनी जीविका का उपार्जन अपनी पेंशन से करता हूँ। मेरी अपनी निजी प्रॉपर्टी भी काफ़ी है, घमंडी नहीं हूँ। तो संस्था को तो धन की ज़रूरत है, क्यों है? आप सब आए ना, भोजन दे रहे हैं ना सबको, अमीर गरीब नहीं देख रहे हैं, किसने क्या दिया क्या लिया ये भी नहीं देख रहे। जिनको हमारी गाड़ियाँ
यहाँ ले आइए स्टेशन से या बस अड्डे से या हवाई अड्डे से, हाथ खड़ा करो। डॉक्टर साहब खड़े हो जाओ, नहीं हाथ खड़ा करो। कितने लोग आए? 80 से 90%। अब ये क्यों किया वो सुनो, जो नया आदमी दिल्ली से आएगा 170 रुपये किराया है ट्रेन का, रांझड़ी आने में उसको 4 घंटे लगेंगे बस अड्डे से। पहले वो बस अड्डे पर टैक्सी वाले या ऑटो वाले मिलेंगे, और टैक्सी वाले इतने गुंडे हैं कि वो मेटाडोर वालों को मार के भगाते हैं वहाँ से, उनकी अपनी यूनिटी है। अगर आप वहाँ से टैक्सी करके यहाँ आए जम्मू स्टेशन से, किराया है 2100 रुपया। वो क्या कहते हैं भाई, यहाँ से हम जाएंगे रांझड़ी से हमें सवारी नहीं मिलेगी, 2100 रुपये अभी दोनों तरफ। दूसरा, अगर वो खुद आए तो मुश्किल है उसे पहुँचना। पहले वहाँ से विक्रम चौक आएगा, ऑटो वाले छोड़ेंगे, विक्रम चौक से फिर उसको बस अड्डे जाना है, विक्रम चौक से बस अड्डे जाएगा, 1.5-2 किलोमीटर है। बस अड्डे से फिर बस पकड़ेगा कठुआ की बस, अगर एक्सप्रेस नहीं पकड़ी तो 2 घंटे लगाती है, वो हर जगह रुकेगी, इसलिए उसको काफ़ी टाइम लग जाएगा। दिल्ली से तो वो चला, 170 रुपये किराया दिया, पहुंचा कहाँ, रेलवे स्टेशन जम्मू। अगर वहाँ से टैक्सी करता है उसे 2100 रुपये पे करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे आए, मैं फिर पूछा कितना पे किया, 2100 रुपये। वो क्या बोलते हैं भाई, रांझड़ी तक तो हम आपको छोड़ेंगे, वापस हमें सवारी नहीं मिलती है। बिल्कुल उनकी बात भी अपनी जगह ठीक है। अगर वो बसों से आए तो पहले विक्रम चौक आएगा, और वहाँ टैक्सी वालों की यूनियन है, बहुत डेंजर है, ख़तरनाक लोग हैं, वो वहाँ मेटाडोर रुकने नहीं देते हैं, उनको मार के भगाते हैं रेलवे स्टेशन से। तो टैक्सी वाले वहाँ, उनकी यूनिटी है अपनी पूरी, जो माता वैष्णो देवी के लिए भी गाड़ियाँ जाती हैं उनका भी यूनिटी है। खैर, उसके बाद फिर वो आ जाएगा विक्रम चौक, विक्रम चौक से बस अड्डे जाएगा, बस अड्डे से फिर वो क्या करेगा, सुपरफास्ट ट्रेन बस पकड़ेगा कठुआ की। तो कभी कभी तो राया मोड़ पर रोक देते हैं, नहीं तो जख में रोकेंगे। जख और राया मोड़ का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, वहाँ से राया मोड़ आएगा, राया मोड़ से जब टैक्सी लेगा तो ऑटो करेगा तो क्या होता है पता है, इस मौके पर कुछ बदमाश और गुंडे और ठेलुआ लोग गाड़ी में चढ़ते हैं और माताओं बहनों को छेड़ते हैं, ठीक है, छेड़ते हैं। वो लोगों ने मुझे बताया, तो मैंने फिर अपनी बसें लगाई, हमारी 45 गाड़ियाँ हैं, 85 कुल, हमने अपना गवर्नमेंट से भी लिंक रखा, उनसे कहा भाई हमारी गाड़ियाँ कमर्शियल नहीं है, वो बेचारे हमारी गाड़ी का कभी चालान भी नहीं काटते थे। क्या दिक्कत हो जाती है, जब कुछ लोग ज़्यादा ही हो जाते हैं हम ट्रकें भी बेचते हैं, जबकि रूल के अनुसार ट्रक में नहीं बिठाना है। इस तरह यहाँ पहुँचाते हैं उनको हम। तो कोई भी संस्था चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं। आइए, आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु पर्व है, जितने भी हमारे तिथि त्यौहार हैं उसकी प्रासंगिकता है। हम सब ने चाहे उनको कमर्शलाइज कर लिया, अलग बात है, और जितने भी त्यौहार हैं उन सब का महात्म है, लेकिन धीरे धीरे हम उनके महात्मों को रोक आच्छादित करते गए, अब वो नाच गाने में बदल गए। इस तरह गुरु पूर्णिमा का एक महत्व है, आज गुरु पूर्णिमा पर्व है, इसलिए मैं आपसे इस बात पर बातचीत करूँगा। इस धर्म में अगर आप धर्मशास्त्रों को उठाएं तो एक दिशा मिलती है हमें, गुरु की ज़रूरत है जीवन में। आओ मैं रेफरेंस देता हूँ, ऋग्वेद कह रहा है सहस्राणि कल्पकाशी वसंति यत्फलम
सहस्त्राणी कल्प, कई कल्प कल्पांतर तक काशी में रहकर कोई तप करे, क्षणार्धी यानी आधा क्षण, गुरु चिंतते यतद अधिकम, यानी गुरु का चिंतन करना करे, ध्यान करे, वो सहस्त्र कल्प काशी में तपस्या करने से भी बड़ा है। और गोस्वामी जी रामायण में क्या कह रहे हैं, गुरु बिन भवनिध तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिरंची ब्रह्मा जी को कहते हैं, इसलिए उन्होंने भी गुरु किया। शंकर शिव जी को भी कहते हैं, शिव जी को कहते हैं, उन्होंने शुकाचार्य को गुरु किया, ब्रह्मा जी ने अग्नि को गुरु किया। साहब भी कह रहे हैं, संत भी कह रहे हैं, नानक देव जी ने भी कह दिया, जिसका डाडा सतगुरु होवे तिसनु मार न साके कोई। यानी ये सर्व शास्त्रों का एक मान्य सिद्धांत है कि संसार सागर से पार होने के लिए गुरु की जरूरत है। अब पहले हम देखते हैं गुरु कितने हैं, गुरु क्या चीज़ है, गुरु शब्द क्या है। तो कौन सा गुरु है जिसको दर्जा परमात्मा से ऊपर दे दिया गया है, क्या उसकी प्रासंगिकता है, लोग ये नहीं समझ पाए। पहले देखते हैं गुरु कितने हैं। सात गुरु हैं। प्रथम गुरु माता पिता, रज बीरज के वो हैं दाता। पहला गुरु माता पिता, प्रथम जो माँ है वो प्रथम गुरु है। कोई कहे आपको साक्षात ब्रह्म दिखाओ, माँ बाप दोनों को खड़ा कर देना, ये शरीर के रचयिता है। और माँ माता पिता ने आपको पोषित करने में बड़ी ताकत लगाई, ख़ास तौर पर माँ ने। थोड़ी देर पहले मैंने एक बात कही थी, हमारी संस्कृति बड़ी रीच है, कभी माता पिता को नहीं छोड़ना, ये पाप है, धार्मिक पाप है, कृतघ्नता है, अपराध है। क्यों अपराध है, उन्होंने आपको पाला, पोषित किया, माँ ने गर्भ में रखा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। लाहौर की कोर्ट में एक बूढ़ी गई, वकील फकील किया नहीं, बुढ़िया सीधी कोर्ट में पहुँच गई, जज साहब को फरियाद की बेटा मारता है। जज साहब भी इंसान है, वो भी काफ़ी सोचते हैं, अपने विवेक का अधिकार करने का, विचार का अधिकार करने का अधिकार सिर्फ जज को है, राष्ट्रपति को भी नहीं है, प्रधानमंत्री को भी नहीं है, वो तो संविधान के अनुसार काम करेगा, विचार का अधिकार नहीं है उसे, सिर्फ जज को है, न्यायाधीश को है। इसलिए न्यायाधीश की के निर्णय पर आप अपील कर सकते हैं, ब्लेम नहीं कर सकते। तो जज साहब को बोला, मेरा बेटा मुझे मारता है। जज थोड़ा सा रसूलदार था, बेटे को तलब किया, जज ने उसको एक सज़ा सुनाई कि इसके पेट पर कटहल बांध दो। कटहल जानते ना, एक फल है। जस्ट शो कटहल ऑन स्क्रीन प्लीज। कटहल एक फल है, आगे उसके नोक हैं, हमारे आश्रम में है। कटहल एक लाजवाब फल है, उसकी सब्जी भी बनती है, उसमें आयरन भरपूर है, और जब पक जाता है तो फ्रूट के तौर पर भी खा सकते हैं। इसमें UPMP के लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, ये बतावा विजय बहादुर, कटहल के फल खाए हो कि नहीं, सब्जी खाए हो कि नहीं, बड़ी स्वादिष्ट है ना, ऊपर का बकला कैसा है, कटीला, उसके पेट पर बांधा कस के, और थानेदार को हुक्म दिया इसको पूरा शहर घुमाओ,
वो आधे रास्ते में ही गिर गया, उठा के लाए। जज ने कहा, सुन, ये कटहल 2-2.5 किलो की तेरे पेट पर बांधी और तू गिर पड़ा। तेरी माँ ने तो अंदर रखा था तुझे, ये तो बाहर था कटहल, तू गिर पड़ा। तेरी माँ ने तुझे पेट में रखा था, काम भी कर रही थी, सब चीज़ कर रही थी और तुम्हें जन्म दिया। फिर तेरा पोषण उसने बड़ी ईमानदारी से किया। कैसी भी माँ हो, बच्चे का पोषण करती है। बच्चा लेटरिन पेशाब किया ना, करवट लेकर उधर खुद हो जाती है, उसको नहीं रखते, और तुम्हें पोषित करके बड़ा किया। ऋणी नहीं है? लोग कहते हैं माँ बाप का ऋण नहीं उतार सकते हैं, मैं कहता हूँ उतार सकते हैं। कहते हैं माँ बाप का कोई ऋण नहीं उतार सकता, मैं कहता हूँ उतार सकते हैं। मेरा तर्क सुनना, हालांकि उनका ऋण चुकाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, पर गुरु का ऋण नहीं चुका सकते। माता पिता का ऋण कैसे चुका सकते हैं? भक्ति करना खूब और ईश्वर की प्राप्ति करना, तो 7 पीढ़ी तर जाती है, 71 पीढ़ी तर जाती है। यानी हम भक्ति के माध्यम से माता पिता का ऋण, उनको मोक्ष मिलता है। फिर हमारे देश का जैनिज्म बड़ा टॉप है, गुरु का ऋण नहीं उतार सकते, वो तुमसे कुछ नहीं चाहता है। यही कांग भूषण्ड से गरुड़ जी ने एक सवाल किया कि हे प्रभु, आप ज्ञानवान हैं, अनंत युग तक आपने कई पढ़ले देखी है और ये संवाद रामायण में है, इस कौए के निकृष्ट शरीर में क्यों है? कौए को निकृष्ट कहते हैं, सब कुछ खा लेता है। गरुड़ जी ने पता क्या बोला? यह तम तन मम भक्ति प्रकटाई ताते ये मोह अति प्रिय है। बोला, मैंने इसी शरीर में काफी भक्ति की, इसलिए ये मुझे प्रिय है। कांग भूषण्ड को कौए का शरीर क्यों मिला था? इसलिए मिला था, कांग भूषण्ड बड़ा ज्ञानी हो गया था। एक बार शिव मंदिर में उनके गुरु आए तो अदब से सब खड़े हो गए, कांग भूषण्ड नहीं खड़ा हुआ, घमंड के कारण। निम्रता बहुत बड़ी चीज है। स्वामी होना सोहरा, दोहरा होना दास, अकड़ दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर थोड़ा सावधान हो। ये धर्म सत्य और अहिंसा बोलता है और ईश्वर की प्राप्ति और मोक्ष का जिक्र करता है। तो अहिंसा क्या है? सत्य बोलना और अहिंसा, तभी तो महान है ये धर्म। सत्य के 8 प्रकरण हैं, सत्य ही बोलना, सत्य ही खाना, सत्य ही सोचना, सत्य ही कर्म करना, सत्य ही संगत करना, सत्य की ही कमाई खाना। वाह, अहिंसा के भी 8 अंग हैं। मन वचन कर्म से किसी को दुख मत देना, किसी से ईर्ष्या नहीं करना, किसी में बदले की भावना नहीं रखना, सब में आत्मरूप देखना और सबको सम्मान देना। वाह, कितनी बड़ी बात है, ये धर्म महान है। पहले तो इसकी मान्यता है ईश्वर है, दूसरा है सत्य और अहिंसा, इसके 2 सिद्धांत हैं, और लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष क्यों? मोक्ष इसलिए, दुनिया के जितने भी धर्म हैं, क्लासिकल रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड इज एक्सेप्ट सोल इज इमॉर्टल, आत्मा अमर हैं, न्यूनाधिक नहीं होती है। ये श्रीमद् गीता में है, रामायण में है, वेदों में भी है, आत्मा न्यूनाधिक नहीं होती है, कभी इसकी मौत नहीं होती है। कर्मानुकूल आत्मा नाना योनियों में घूमती है, 84 लाख योनियाँ 4 खानों में बांटी गई है। अंडज कुछ अंडे से पैदा होते हैं, 12 लाख। जलचर 9 लाख जीव जल में रहते हैं, और उखमज 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े हैं जो ज़मीन में रहते हैं, और पिंडज जो माँ के पेट से जिस्म लेकर निकलते हैं,
30 लाख, हर एक योनि चार योनि है, 75 लाख साल में ये पूरी होती है, यानी 84 लाख का चक्र 3 करोड़ साल में गुजरता है। कितनी लंबी सजा है। आप देखो जीव जंतु कितने परेशान है, धन भाग जगीरे मानुष देह मिली रे मिली। तो गुरुजी ने तो कुछ नहीं बोला, बाकी सब खड़े हो गए। कांगभूषण उस समय एक तपस्वी के रूप में थे, वो नहीं खड़ा हुआ। गुरुजी ने कुछ नहीं बोला, शिव स्थान था, शिव ने श्राप दिया, हे मूर्ख तूने अहंकार वश मेरे स्थान पर गुरु का अपमान किया और कौए की तरह झांक रहा था, जाओ कौए बन जाओ। तो कांगभूषण कौआ बन गया, व्यथा न होए देवी ऋषिवाणी। उसने गुरु से तब एक प्रार्थना की, देखा गुरु से एक प्रार्थना की, हे प्रभु मैं विद्या अहंकार और ज्ञान अहंकार के कारण आपका सम्मान नहीं किया, इतनी कृपा करना कौए का शरीर भी ठीक, मेरी चेतना और ज्ञान विस्मित नहीं हो, मैं कौए के तन में भी मेरा ज्ञान बरकरार रहे। गुरु ने आशीर्वाद दे दिया, ठीक है वाह। इसलिए उसमें वो तपस्या करने लगा, बहुत तपस्या। यही बात वो गरुड़ को बोला, यातन मम भक्ति प्रकट आई, इस शरीर से मैंने बहुत दिन भक्ति किया है, ताते ये मोहे अति प्रिय हुई, इसको नहीं छोड़ना चाहते। अभी आपको अगर कहें, मैं वापस इसी पॉइंट पर आऊँगा, उदाहरण तो देने पड़ते हैं। चेयरमैन साहब आपको अगर कहें आप ये शरीर अब छोड़ो रामलाल वाला ले लो, मंजूर है क्या? आजकल ऐसा हो रहा है, सावधान, मैं पूरा वर्ल्ड घूमता हूँ। अमेरिका में कैलिफोर्निया के स्टेट है, वहाँ सैन फ्रांसिस्को बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, वहीं पर नासा है, वहीं पर गूगल है, वहीं पर एप्पल है, वहीं पर फेसबुक है, बड़ा टॉप है। वो अमेरिका का अपना नहीं था, मेक्सिको ने बेच दिया था, जैसे ब्रिटेन ने 100 साल के लिए अपना चाइना ने उनको लीज पर दे दिया था, कौन सी जगह, हांगकांग, अभी वो पूरा हो गया। इस तरह मेक्सिको ने कैलिफोर्निया अमेरिका को बेच दिया, अभी रो रहा है। अगर नक्शे में देखेंगे कैलिफोर्निया और इंडिया का क्लाइमेट सेम है, क्योंकि वो अमेरिका के दक्षिण में पड़ता है, जितना भूमध्य रेखा के दक्षिण में हम आते हैं उतना तापमान बढ़ेगा, तो कैलिफोर्निया टॉप जगह है, वहाँ भी हम रजिस्टर्ड है, ब्रिटेन में भी है। तो मेरा एक ड्राइवर था, बहुत एक्सपर्ट था, पढ़ा लिखा था, मुझे कहा गुरुजी आजकल एक रिसर्च चल रहा है आदमी को अमर करने का। मैं बोला ये ख्याल आता है, आदमी को कोई अमर नहीं कर सकता, ये प्रोसेस है संसार का, जो भी शरीरधारी है उसे दुनिया से जाना पड़ता है। वैज्ञानिकों ने कोशिश की बहुत, अमरत्व के लिए एक स्थान है, आदमी मोक्ष और अमरत्व चाहता है, आत्मा अमरत्व की तलाश में है। आज भौतिकवाद में उलझकर आदमी भूल गया अपना लक्ष्य, कि जीवन का लक्ष्य ही मोक्ष की प्राप्ति है। मैं बोला कैसे, पहले वैज्ञानिकों ने कहा हम इंसान को अमर करेंगे, उन्होंने देखा बॉडी हमारी है ही सेल, मैंने यूँ किया कम से कम 1000 सेल टूट गए मेरे, ठीक है, और प्रोसेस शरीर का ऐसा है एकदम वो सेल को रिपेयरिंग कर देती है अंदर की ताकत फौरन। तो उन्होंने सेल को स्टेबल किया वैज्ञानिकों ने, आज से 20 साल पहले, खुश हो गए, जब सेल नहीं टूटेंगे बुढ़ापा नहीं आएगा। लेकिन 5 साल बाद उनमें से 80-90% लोगों को कैंसर हो गया। आप कुदरत की चीज़ से छेड़ाछेड़ी मत करना, भूला ये, बड़ी प्लानिंग के साथ दुनिया बनी हुई है। डॉक्टर लोग डर गए, ओ सेल बनना और टूटना जरूरी है, सेल का बनना, उन्होंने ये फार्मूला छोड़ दिया, कई और प्रयास किए। अभी क्या कर रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ,
अभी वो कह रहे हैं हम आदमी को अमर बनाएंगे। कैसे बना रहे हैं? चेयरमैन साहब अगर और जीना चाहता है, बॉडी जवाब दे दिया है, जर्जर है, मास्टर रामलाल से लीज पर बॉडी लेगा, कहेगा भाई देखो हम तुम्हें मारेंगे नहीं, हम सिर्फ तुम्हारी मेमोरी निकाल लेंगे और तुम्हारे अंदर हम मेमोरी इंजेक्ट करेंगे चेयरमैन की, बदले में 50 लाख ले दो। तो लोग करते हैं, देखो कुछ लोग किडनी सेल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अब क्या होगा? चेयरमैन वो कब कैसे करेंगे? मौत के बाद 7-8 मिनट से लेकर, सेकंड से लेकर 15 सेकंड तक या 15 मिनट तक मेमोरी एक्टिवेट रहती है, पूरी बॉडी ठंडी हो जाएगी पर मेमोरी रहती है, उस समय मेमोरी निकल लें। आपकी मेमोरी के साथ तो छेड़छाड़ी हो ही रही है ना, गुरु क्या करेगा मेमोरी से, ये भी बताऊंगा मैं आपको। आदमी सब कुछ बेच सकता है। उदाहरण देता हूँ, मोहम्मद दत्ता पायलट था, उसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और उसको दोनों को हिट किया था, दो प्लानर, $10 लाख दिए थे उनको अलकायदा वालों ने, ठीक है। उसने कहा ठीक है मैं अपने बाल बच्चे आराम से रहेंगे, कंफर्ट रहेंगे, मैं हिट कर दूंगा। इस प्रकार से लोग बेच देते हैं, जीवन भी बेच देते हैं। अब रामलाल को कहा ठीक है भाई रामलाल तुम्हें 50 लाख रुपया देंगे, कौन देगा? चेयरमैन कहता है मैं जीना चाहता हूँ और भी। वो रामलाल कहेगा ठीक है, क्या करेंगे? रामलाल की मेमोरी निकाल देंगे, उसको फेंक देंगे। चेयरमैन साहब आखिरी सांस ले रहा है, इसकी मेमोरी निकाल कर इसमें इंजेक्ट करेंगे। अब बॉडी तो होगी रामलाल की, लेकिन एक्टिविटी पूरी होगी चेयरमैन वाली, क्योंकि हमारी जिंदगी का बेस ही है, द मेमोरी इज द बेस ऑफ आवर ब्रेन एंड लाइफ। इसी मेमोरी से तो आपको पता है मेरी माँ है, मेरी बेटी है, मेरा घर है, मेरा द्वार है, मेमोरी खास चीज है। अब क्या होगा? अब ये होगा कि रामलाल अपनी बीबी भाभी को नहीं पहचानेगा। रामलाल सीधा कहाँ भगेगा? चेयरमैन की बीबी के पास, क्योंकि रामलाल के अंदर मेमोरी चेयरमैन वाली है। मैं कहा दिस मन इज़ वेरी ओल्ड टेक्नोलॉजी, मैं कहा यह तो ओल्ड टेक्नोलॉजी है। उसने कहा ओल्ड? मैं बोला कुछ नया नहीं है, दिव्यास्त्र परमाणु या अभी वो अपना रसायन बम बन रहे हैं, केमिकल बम बन रहे हैं और जीव बम बन रहे हैं। मैं बोला दिस इज़ ए वेरी ओल्ड टेक्नोलॉजी, अभी लेज़र बम का इस्तेमाल किया ना, वो खुद ही मिसाइल जाकर के हीट कलेक्ट करेगी और टारगेट को डिस्ट्रैक्ट कर देगी, उसमें तो कोई बारूद नहीं है, वही अग्नि बाण है। हम पहले एडवांस थे, हम अभी बैक हो गए हैं, ठीक है। मैंने कहा ये फैम फैल हो जाएगा, मैंने कहा ये फैम फार्मूला फैल हो जाएगा। क्यों? आपने रामलाल की मेमोरी तो खराब करके फेंक दी, जो निकाली। आपकी मेमोरी के साथ डॉक्टर करता है छेड़ाछेड़ी नहीं, ऑपरेशन किया उसको डेड कर दिया, यानी मेमोरी पर इन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित किया हुआ है। और फिर क्या करता है? कोई नहीं उठता है, होश में नहीं आ रहा, दूसरी इंजेक्शन नहीं लगा देते उसको होश में लाने के लिए, टेक्निकल चीज़ है। तो आगे क्या होगा? जो बेसिक आपके पास कॉल है, आपने डिलीट कर दिया, मामला ख़त्म है क्या? भानु प्रताप सिंह
वो पुलिस और वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो जासूसी वाली फर्म निकलवा नहीं लेती है बेस से। आपने इंसान की तीन मेमोरी है, एक ब्रेन की, एक अंतःकरण की, एक आत्मा की। वो वैज्ञानिक लोग नहीं समझ पा रहे हैं अभी ये बात। सबसे बड़ा विज्ञान दुनिया के अंदर है अध्यात्म, इससे बड़ा कोई विज्ञान नहीं है। मैं घमंड से नहीं बोलता, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी तो मेरे पास आते हैं, उनको क्या ज़रूरत पड़ी। कबीर एक को जानिया तो जाना सब जान, फिर क्या होगा। मैं उदाहरण दूंगा, एक दिन रामलाल फिर उठेगा और मेमोरी ऑफ द चेयरमैन को किकआउट करेगा, ठीक है ना। कैसे मैं बताता हूँ, उनको ये नहीं पता है। अभी वो मथापच्ची कर रहे हैं, प्लानिंग फेल होगा। आप देखते हैं हम लोग एक काम करते हैं, कलम करते हैं। अलीगढ़ के एक मुस्लिम ने क्या किया, अमरूद आम बनाया। क्या बना दिया, अमरूद आम। अरे अमरूद आम कैसे बना दिया, आम की कलम लेकर उसने अमरूद पर प्यून की। अब क्या हुआ, उसको ग्रोथ तो जड़ से मिली, जड़ ने कौन सा रसायन खींचा, अमरूद वाला। हम नींबू जब बोते हैं धरती में तो खटासी तो खींच रहा है ना नींबू, और जब हम गन्ना बो रहे हैं तो मिठासी तो खींच रहा है ना। हम मिर्ची बो रहे हैं तो ज़मीन से मिर्ची तो निकल रही है ना। इसलिए क्या हुआ, जो आम है उसकी शेप तो होगी आम जैसी, टेस्ट होगा अमरूद वाला। इसी सिद्धांत पर ही तो उन्होंने, हमारे अंग्रेजों ने जर्सी गाय निकाल लिया, देसी गाय को क्रॉस किया आपने सुअर से, सुअरी से। तो ये ओल्ड विज्ञान है। मेरे गुरुदेव ने कलमी आम के पेड़ लगाए, 200-250 ग्राम के थे, आधा आधा किलो के माल्टा आम थे नहीं थे ये वहीं के। और आंवले लगाए जौनपुर में फेमस है, इतना बड़ा बड़ा 100-150 ग्राम का आंवला हुआ। धीरे 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 वो अपने बेस पर आ गया, जो नेचुरल आंवले का बेस है उसी पर आ गया। अभी मैं प्रमाण दे रहा हूँ ना। और इसी प्रकार से वो जो आम थे, अब भानु कितने बड़े होते हैं आम, पहले कितने थे। कोई भी चीज़ अपना छेड़ाछाड़ी नहीं करो प्रकृति की चीज़ से, बहुत टैलेंट से दुनिया की चीज़ें, इस दुनिया का सर्जन है। इंसान का ब्रेन वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता है। इसी तरह मैंने कहा ये दिस वन ओल्ड टेक्नोलॉजी, बोला वो कैसे, उदाहरण देता हूँ। एक बार मंडन मिश्र और शंकराचार्य का संवाद हुआ। मंडन मिश्र बहुत ज्ञानी था, बहुत ज्ञानी था, उस जैसा पंडित नहीं था कोई, पर शंकराचार्य ने उसे पराजित कर दिया। वो दुखी होकर आया, शंकराचार्य बाल ब्रह्मचारी था। पत्नी ने पूछा क्या बात है, बोला आज मुझे शंकराचार्य ने परास्त कर दिया। और शंकराचार्य ने बड़े बड़े वेदांतियों को भी परास्त किया था, और पूरे देश के चारों कोनों में शंकराचार्य स्थान स्थापित हुए। उसकी पत्नी ने कहा मंडन मिश्र की चिंता मत करो, मैं शंकराचार्य को खुद ही खबर ले लूँगी। वो शंकराचार्य के पास गई बातचीत, और वो भी ज्ञानी थी। शंकराचार्य को पूछा स्त्री और पुरुष के आनंद का व्याख्या करो, शंकराचार्य अटक गया। इस आनंद की व्याख्या नहीं है, जो भुक्त भोगी है वही समझ सकता है, इसकी व्याख्या नहीं हो सकती है। उसने कहा हे देवी मुझे टाइम दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा, 6 महीने का समय दो। कहा ठीक है। शंकराचार्य वो आनंद नहीं बता सके, वो तो भुक्त भोगी है वही बोलेगा ना। शंकराचार्य ने क्या किया, राजा अमरू का शरीर छूटने वाला था,
जैसे राजा अमरु का शरीर छूटा, शंकराचार्य उसमें प्रवेश ले लिया। आप नहीं देख रहे कभी कभी प्रेत आत्माएं भी प्रवेश लेती है, नहीं लेती है? फिर वो उनका ही कॉन्शियस बोलता है, ये टेक्नोलॉजी ओल्ड है। मास्टर जी क्या ख्याल है? अब वो शंकराचार्य चाहता था कि मैं इस बॉडी से सेक्स नहीं करना है, ब्रह्मचारी थे, अपने शरीर से सेक्स नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपना बॉडी छोड़ी, शिष्यों को बोला मेरा ये शरीर तेल के अंदर प्रिजर्व करके रखो, मैं 6 महीने बाद वापस आऊँगा। ये शास्त्रागत चीज़ है, चला गया और तेल बहुत तगड़ा प्रिजर्वेटिव है। मेरे पास आम का अचार 2 साल पुराना है, देखा कितना प्रिजर्व करता है ये, और लहसुन का अचार है, गैस ट्रबल ख़त्म कर देगा एकदम। तो वो अमरू का बॉडी छूटने वाली थी, उसमें प्रवेश इंटर कर गया शंकराचार्य। अमरु की पत्नी के साथ में यौन संबंध स्थापित किए। अमरु की पत्नी को जजमेंट हुई कि इस आदमी की क्रियाएं मेरे पति से नहीं मिलती है। पति पत्नी एक दूसरे को तो करीब से जानते हैं ना। उसने पूछा सत्य बताओ, तुम्हारी प्रक्रियाएं जो हैं ये मेरे पति जैसी नहीं है। ठीक वैसा ही हुआ, हनुमान मंदोदरी से जीवन बाण लेने के लिए भेष बदल के गया था, तो भेष बदल कर हनुमान गया था जीवन बाण लेने के लिए, उसी बाण से रावण की मृत्यु हो सकती थी। बहुत उसको हवाले दिए, मंदोदरी जान गई, बोला हे योगी अपना सही स्वरूप दिखा नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। तो हनुमान ने फिर अपना स्वरूप दिखाया था। ठीक है, इस तरह अमरु की रानी ने कहा, पतिव्रता थी वो भी, बोला सच बताओ तुम कौन हो। शंकराचार्य ने दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगी, हे देवी मुझे माफ करो, मैं शंकराचार्य हूं। बोला ये कुकृत क्यों किया? बोला मंडन मिश्र की स्त्री ने मुझे पराजित किया, ये अनुभव लेना था। दूसरा उदाहरण देता हूँ, ये होता है। राजा जलंधर की, उसने सभी देवताओं को परास्त कर दिया। ब्रह्मा जी के पास गए, बोला भाई ये नहीं आ रहा है काबू, क्या बात है? बोला इसकी पत्नी बिंद्रा पतिव्रता है, और पतिव्रता नारी होना बहुत मुश्किल है। पतिव्रता कौन है? जो कभी पूरे जीवन में मन रूप से भी किसी की तरफ नहीं गई, फिजिकल भी नहीं गई, और वाणी से भी नहीं गई। यही तो सीता जी ने भी बोला था ना। और जो पतिव्रत स्त्री है उसके पति को कवच समझो, वो बहुत ताकत होती है। उसी के कारण से ही मेघनाद युद्ध करता था, उसी की अपनी पत्नी की शक्ति से ही लक्ष्मण भी युद्ध करता था। तो जब मेघनाद और लक्ष्मण का युद्ध होना था तो पता है मेघनाद की पत्नी ने क्या कहा? न तो ये लक्ष्मण का युद्ध है न तो ये मेघनाद का युद्ध है, दो पतिव्रताओं का ये युद्ध है। जिन्होंने ये संवाद सुना हो हाथ खड़े करें। आप हाँ मास्टर उमेश खड़े हो जाओ, ऐसे ही तो हाँ नहीं भर रहे ना। मेरे अलावा किसी से सुना हो तो हाथ खड़ा करो। नहीं सुना, चलो कोई बात नहीं। तो इस तरह क्षमा मांगी उससे। दूसरा उदाहरण देता हूँ ना, ये टेक्नोलॉजी ओल्ड है, ऑलरेडी थी। जब ब्रह्मा ने कहा कि जलंधर को, राजा जलंधर को कोई नहीं मार सकता, उसकी स्त्री पतिव्रता है, पता है फिर क्या हुआ? विष्णु जी ने खुद राजा जलंधर का रूप धारण किया और पतिव्रता बिंद्रा का पतिव्रतत्व तो भंग किया। कथाओं में भी देख लेना, जब राजा जलंधर मारा गया उसके बाद मर गया, बिंद्रा ने कहा मेरे पति को कोई नहीं मार सकता था। जब कारण देखा, ओ विष्णु जी
मेरे पति का रूप धारण कर। हालांकि रानी बिंद्रा विष्णु की ही उपासक थी, उसने विष्णु को श्राप दिया, जाओ पत्थर के बन जाओ। पतिव्रता बिंद्रा व्रत टारा ताकि पाप पाहन अवतारा। सावधान, ये कर्म भूमि है, यहाँ कुछ भी सोच के करना, पूरा हिसाब किताब होता है। एक ने कहा छोड़ो जी ये पुरानी बातें हैं, मैं आधुनिक भी हूँ पुराना भी हूँ। मास्टर जी क्या कह रहे, PhD है। सुनो तो मुझे बोला जी सब कुछ लिखा जाता है, कौन सी फैक्ट्री से पेन आ रहे हैं, कहाँ से कागज आ रहे हैं, सब कुछ लिखा जा रहा है, सिद्ध करो। मैं बोला आज मैं तुम्हें फैक्ट्री भी दिखा देता हूँ। बोला कितनी इम्प्लॉई हैं धर्मराज के पास, एक एक आदमी का काम लिखते जा रहे हैं, सोते जागते का कितनी इम्प्लॉई हैं उसके पास। मैं बोला कोई एम्प्लॉई नहीं है, उसके पास एक सिस्टम है। आप देखो रोज़ 10:30 मैं लाइव प्रोग्राम टेलीकास्ट करता हूँ पूरे अब्रॉड में, एक सिस्टम है, मैंने स्टूडियो बनाया। तो इस तरह से मैंने कहा भाई आज तुम्हें फैक्ट्री भी दिखाता हूँ, जहाँ कागज़ बनते वो भी दिखाता हूँ, और तो मैं प्रत्यक्ष दिखाता हूँ। ये सब कुछ लिखा जा रहा है, सब कुछ लिख लिख दर्द है। बोला दिखाओ। मैं बात सुन, आपने जीवन में जो जो काम किए हैं आपको याद है? बोला हाँ। आपको याद है ना कौन सा बुरा काम किस तरफ मुंह करके मैंने किया था, याद है? बोला हाँ। कौन से अच्छे काम किए तुम्हें याद है? बोला हाँ। कहाँ पढ़े लिखे तुम्हें याद है? बोला हाँ। मैं बोला वही मेमोरी कार्ड जो है तुम्हारा धर्मराज के आगे खोल दिया जाता है, एक मिनट में ही पूरा हिसाब किताब। वहाँ गवाह की ज़रूरत नहीं है, वहाँ गवाह की ज़रूरत नहीं, तू मानेगा कि नहीं? अभी भी भाई आप देखो सबके अंदर मेमोरी कार्ड है, किसी का आपके मोबाइल में भी 128 है, किसी के पास 256 है, किसी के पास और भी है। स्मार्टफोन की कीमत ही मेमोरी कार्ड के अनुसार है। वो दिखा देते हैं, धर्मराज नहीं पूछता है, दो गवाह लाओ, झूठे गवाह दो, खड़े हो जाते हैं। इस तरह सब कुछ लिखा जा रहा है। सावधान, भूल कर किसी को मत सताना, किसी को दुख मत देना, ये ही केवल कर्म भूमि है, ये पृथ्वी, बाकी सब भोग लोक हैं। यहीं से सब जगह जाने का रास्ता है, रास्ता चुन लो तुम, कहाँ जाना है। नरक जाना है तो उसका भी रास्ता शास्त्रों में है, पाप करो, छल करो, कपट करो, परिस्त्री गमन करो, नरक का द्वार है। स्वर्ग जाना है उसका भी रास्ता है कि आप शुभ कर्म करो, परमार्थ करो, दूसरे को कष्ट मत दो, आप स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे। ब्रह्मलोक जाना है उसका भी रास्ता है, संसार का त्याग करके, इंद्रियों का दमन करके केवल ब्रह्म का चिंतन करो, ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाओगे। और देवत्व को प्राप्त होने के लिए भी आप मानेंगे मनुष्य ही नर को नारायण क्यों बोला, मनुष्य ही फिर इंद्र पद को प्राप्त होता है संसार में तपस्या करके। इंद्र सब देवताओं का राजा है, मनुष्य ही दीर्घ शुभ कर्म करके शिवत्व को प्राप्त होता है, वो शिव बनता है। मनुष्य ही विष्णुत्व को प्राप्त होता है, मनुष्य ही ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है। और इसी संसार में महान गुरु भक्ति करके लोग सतलोक भी जाते हैं। इसलिए सब जगह जाने का रास्ता यहाँ से है। स्वर्ग में कोई कर्म नहीं है। मैंने ऋषिवर मृदुल का फिर एक वृत्तांत बताता हूँ। इसलिए भाइयों बहनों कर्म यहाँ सोच करके करना। मृदुल ऋषि के पास एक बार पुष्पक विमान आया, देवदूत विमान लेके आया, ऋषिवर को प्रणाम किया, बोला हे ऋषिवर तुम्हारी जय हो, तुम महान परमार्थी और पुरुषार्थी और ज्ञानी पुरुष हो, तुम्हारे निमंत्रण आया स्वर्ग से, मेरे विमान में बैठो चलो। मृदुल ने पूछा हे देवदूत स्वर्ग में क्या है? बोला आनंद है। क्या आनंद है? बोला ऋतु बहुत सुंदर है, शीतोष्ण नहीं है, हमेशा स्प्रिंग क्लाइमेट है, दूसरा बीमारी नहीं है कोई भी, तीसरा अभाव नहीं है, वेरी गुड, चौथा रोग नहीं है,
पांचवा, एक अद्भुत सुगंध है वहाँ हमेशा मिलती है। स्वर्ग की व्याख्या की देवदूत ने, मृद्गल ऋषि ने पूछा कि भाई वहाँ ऐसा क्या है जो ठीक नहीं है। बोला वहाँ तीन चीज ठीक नहीं है। पहला बोला वहाँ ईर्ष्या है। मृद्गल ने कहा स्वर्ग में ईर्ष्या वो क्यों? बोला तीन श्रेणी का स्वर्ग है, साधारण, जैसे भाई ट्रेन में तीन श्रेणी नहीं है। पहला है जनरल क्लास, भाई मेरे जैसे गरीब उसमें चले जाते हैं, मैं जनरल क्लास में भी बहुत सफ़र किया, फिर स्लीपर क्लास में आने लगा, उसके बाद फिर मैं एसी में चलने लगा, सीनियर सिटीजन, अब मैं 74वां जन्मदिन मनाया तो 40-50% छूट थी, फर्स्ट में चलता था, अब ज़्यादा एजक्शन हो गई तो मैं हवाई जहाज़ों में चलता हूँ, फिर मेरे शिष्य बाहर जाता हूँ तो मेरी बिजनेस क्लास में टिकट बना देते हैं। इस तरह क्लासेस है, वहाँ भी तीन क्लास है स्वर्ग में, साधारण, मध्यम, उत्तम। बोला वो क्यों? बोला भाई जो साधारण शुभ कर्म किए हैं उन्हें साधारण स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जो मध्यम किए हैं उनको मध्यम, जो उत्तम है उनको उत्तम। इसलिए जो साधारण में है उनमें भाव आता है, ईर्ष्या आती है, स्वाभाविक है। जो आदमी जनरल क्लास में सफ़र कर रहा है एसी वाले से अपने को इन्फीरियर नहीं मान रहा है, मान रहा है ना, ऐसा ही है। अच्छा बोला दूसरा क्या है? बोला हे ऋषिवर स्वर्ग में भय है। बोला भय? जहाँ भय है वहाँ आनंद कैसा? भय क्यों है? सबके गले में मालाएं हैं, वो हमेशा खुशबू देती है, कुमलाती नहीं है। जब एक दो महीने रह जाते हैं पूर्ण समाप्त होने से पहले सिग्नल आता है, वो मालाएं कुमलाने लगती है, तो उनको पता चलता है अब फिर पृथ्वी पर जाएंगे, फिर माँ के पेट में जन्म लेना है, इसलिए भय है। ओ मृद्गल ने कहा और तीसरा क्या है? बोला वहाँ वो भोग लोक है, वहाँ कर्म नहीं है, केवल अपने किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए जाते हैं, जैसे यहाँ चपरासी से ऑफिसर भी बन जाता है, वहाँ ये नहीं है, वो केवल भोग लोक है, कर्म भूमि यही है। कर्माणि बंध्या स्वर्ग आदि लोग का कर्माणि छीने पर मृत्यु लोग का, कर्मों के कारण ही वहाँ जा रहा है, फिर कर्म छीण होते मृत्यु लोक में आता है। मृद्गल ने कहा हे देवदूत तुम्हारा धन्यवाद, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। बोला क्यों? तुम्हारा स्वर्ग दूषित है, उसमें भय है, उसमें ईर्ष्या है, और उसमें विकास नहीं है, केवल भोग है, इसलिए वो भोग लोग है, पृथ्वी भोग लोग नहीं है, कर्म लोग है, तुम स्वतंत्र हो, चाहे तो नर्क की तरफ जाओ, शास्त्रों ने रास्ता बताया कहाँ जाना है तुम्हें, चाहो तो स्वर्ग की तरफ जाओ, चाहो तो ब्रह्मपद की प्राप्ति करो, तुम्हारे हाथ में है, चाहो तो देवत्व की प्राप्ति कर लो, चाहो तो पूर्ण गुरु को प्राप्त करके अमर लोक की प्राप्ति करके आवागमन से हमेशा के लिए छुट्टी लो। मृद्गल ने कहा आपका धन्यवाद, मैं स्वर्ग नहीं चाहता हूँ, तुम्हारे स्वर्ग में दोष है। मैं इसी पर एक और बात बताता हूँ। एक बच्चा था, रसिया की बात है, स्वर्ग के बारे में सुना था, हमेशा कहता था माँ को मैं स्वर्ग जाना है, बालहट तो मालूम है ना, मैं स्वर्ग जाना है। माता पिता बड़े तंग हुए, मनोवैज्ञानिक के पास ले गए, भाई ये आदमी जिद पकड़ा हुआ है कि मैं स्वर्ग जाना है, हम परेशान हैं, न खाता है न पीता है, बस एक ही रट है। मनोवैज्ञानिक ने कहा ठीक है मैं इसका इलाज करूँगा, वो बड़े तेज होते हैं, मैं भी मनोवैज्ञानिक। बोला ठीक है मेरी प्लानिंग के अनुसार चलना। दूर दराज एक बहुत बड़ा कंपस उसने किराए पर लिया, बच्चा आधी रात को सो रहा था, उसको उठाकर वहाँ ले गए, छोड़ दिया वहाँ, कुछ स्त्रियाँ अप्सरा के रूप में रखी। जब सुबह उठा मम्मी पापा कुछ नहीं थे, वो अप्सराएं कहीं उसको खिलाएं, कहीं प्यार करें, कहीं फूल लाएं, कहीं फल लाएं। बोला मम्मी पापा? बोला स्वर्ग में मम्मी पापा नहीं होते हैं। बोला ओ मम्मी नहीं है? बोला नहीं।
फिर चुन्नू मुन्नू वो बच्चों के साथ खेलता था, बच्चे तो खेलते हैं ना। मैं उदाहरण देता हूँ, मैं तो खैर बाल ब्रह्मचारी हूँ, शादी नहीं किया। मेरे भाई के दो पोतरू हैं और लड़का, ये वही है, इसके दो बच्चे, तो मैं दादा नहीं हुआ क्या इनका? बच्चे कभी कभी हट कर लेते हैं, वो लगा रोने लगा, मनोवैज्ञानिक ने देखा अब इसका स्वर्ग से मोह भंग हो गया है और हताश किया, बहुत भंग हो गया मोह। एक दिन फिर वो कह रहा था, उनको प्रार्थना कर रहा था, गिड़गिड़ा रहा था बच्चा अप्सराओं को, वो अप्सरा तो मॉडिफाइड थी, नकली थी, बोला मुझे मम्मी पापा के सिले चलो, मुझे नहीं चाहिए स्वर्ग, तुम्हारा स्वर्ग खराब है, यहाँ मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं है, चुन्नू मुन्नू नहीं है, मुझे नहीं रहना। मनोवैज्ञानिक ने देखा इसका मोह भंग हो गया स्वर्ग से, एक रात फिर सोया था, उठा के घर में छोड़े। जब सुबह उठा मम्मी पापा को देखा, जब ही पा के रोने लगा, बोला मामा मैं कभी भी स्वर्ग नहीं जाना। मनोवैज्ञानिक लोग तेज होते, हम लोग कल्पनाएं बनाए हुए हैं। परम मोक्ष की प्राप्ति के बिना ये जीवात्मा कभी भी संतुष्ट नहीं है। तो इस तरह से मैंने बताया किस प्रकार से मनुष्य अमरत्व को प्राप्त करना चाह रहा है, नहीं हो सकता है। कांग भूषण ने भी यही बोला, मेरी मेमोरी सेव है, इसलिए मैं इस कौए के शरीर में कई दिन रहा हूँ, कई पड़े देख लिया मैंने। जब पृथ्वी लय हो जाती है मैं जल रूप हो जाता हूँ, जब जल को सूर्य शोषित करता है मैं अग्नि रूप हो जाता हूँ, जब अग्नि को वायु शोषित करती है मैं वायु हो जाता हूँ, और जब वायु को आकाश विलोम करता है मैं शून्य और आकाश हो जाता हूँ। इसलिए कांग भूषण ने 100 प्रलय देखी थी, सोचो। ये सब कपोल कल्पित बातें नहीं है, कथावाचक बोल तो रहे सिद्ध नहीं कर पा रहे, उनके पास उतना आइडिया नहीं है। अग्निबाण नहीं है अभी डॉक्टर साहब, लेज़र मिसाइल जो है वो उसमें तो कोई बारूद नहीं है, वो स्वयं हीट को कलेक्ट करती जाएगी और टारगेट को भस्म कर देगी, वही तो अग्निबाण वो छोड़ता था। परमाणु बम भी तो वही है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हैं, वो जब उसमें से एक ही तत्व निकाला पूरी धरती के अंदर जो बाकी दो हैं उसको डिस्ट्रैक्ट करता जाता है, पूरा पूरा हीट बन जाएगी, अग्नि बन जाएगी, ये कई कई हज़ार डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। हिरोशिमा नागासाकी में देखिए क्या हुआ था, मुझे कुछ नया नहीं दिखता। मैंने उनको कहा सुनो भाई ये जो तेरी टेक्नोलॉजी है ना, जो अभी एक लेडी वैज्ञानिक ने निकाल लिया, ये नेट पर निकालना आ जाएगा। तो वो थोड़े दिन रहेगा, बेस फिर उठाएगा। आइए तो गुरु पर मैं बोल रहा था, गुरु क्या देता है? तो सात गुरु हैं, समय चाहता हूँ, समय भी हो रहा है। प्रथम गुरु माता पिता, क्योंकि मैं 3 दिन से बड़ा बिजी हूँ, शायद मेरा चेहरा भी बता रहा होगा थकान है मुझ में, मेरा शरीर नहीं बोलना चाह रहा है, ये तो मैं उसको हेंटर मार मार कर बुलवा रहा हूँ, ठीक है। जैसे घोड़ा जो बेचारा खींच नहीं पाता है, देखिए विज्ञान करने याददाश्त का प्रत्यारोपण करने का दावा किया है, देखिए यानी मेमोरी उसको प्रत्यारोपित करना, एक से निकाल कर फेल हो जाओगे, खामखा अपना दिमाग खराब मत करो। तो इस तरह आकर गुरु क्या देता है, इतनी गुरु की बड़ी महिमा है। गुरु कितने हैं? 7 हैं। प्रथम गुरु माता पिता, पहले गुरु माता पिता, वाह, रज भी रज के वो हैं दाता। आपको अपना शब्द फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, माँ बाप को कभी मत छोड़ना। बुढ़ापे में शरीर कमज़ोर हो जाता है तो आदमी की मेमोरी और बाकी ब्रेन, ये भी शरीर का अंग है, सब कमज़ोर हो जाएंगे, बच्चे की तरह हो जाएगा, जिद्दी हो जाएंगे, सुनेंगे नहीं। बूढ़ों का कितना तकलीफ देते हैं मुझसे कोई ज़्यादा नहीं जानता है, यहाँ बहुत बूढ़े आते हैं,
कलयुग का आदमी जवानी भर मस्तियाँ करता है, रंगरेलियाँ करता है, इंद्रियों का आनंद जब पूरा मामला डिश होने वाला है तब आ जाता है पार कर। मैंने कहा तुमने समय ठीक नहीं चुना। बंगला में कहावत है, बाल्यावस्था प्रभु मिले पूजे पूजता है, प्रभु मिलेन कि न मिलेन। बोला बचपन में ईश्वर को हम भक्ति करें तो ईश्वर मिलेगा कि नहीं, तो पता है क्या कहा, मिलेन 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 मिलेगा। बोला तरुणावस्था युवावस्था अगर भक्ति करें तो प्रभु मिलेन कि न मिलेन। बोला मिलेन एक ही बार। बोला वृद्धावस्था भक्ति कर भी तो प्रभु मिलेन कि न मिलेन। पता है क्या जवाब दिया, मिलेन कि न मिलेन, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। तो आदमी चुनता है कंसंट्रेशन और प्रभु की प्राप्ति का रास्ता। बुढ़ापे में धोखा भर यौवन में शीलवंत कोई हो तो हो, वो नकारात्मक कुमार, वो आपसे लड़ाई करेंगे, गंदा बोलेंगे, सब कुछ करेंगे, कोई बात नहीं। बच्चा और बूढ़ा एक जैसा होता है। माता पिता को त्यागना बहुत बड़ा पाप है, सोशल पाप है, धार्मिक पाप है, ईश्वरीय पाप है। माँ बाप को नहीं छोड़ना पाप है। अपनी पत्नी के कहने से माता पिता को मत छोड़ना, पत्नी को भी साथ रखना है, माता पिता को भी, सोशल लाइफ है। लेकिन दोनों में से अगर एक को छोड़ना पड़े, पत्नी को छोड़ देना, माँ बाप को नहीं छोड़ना, पाप लगेगा। उन्होंने पाला पोसा, आप उसके ऋणी हैं। दूसरी बात, अपने जीवन काल में प्रॉपर्टी कभी बेटों को नहीं देना, मेरी बात लिख लेना, ये धोखा खाओगे। ऐसे केसेस मेरे पास आए हैं। आपके न रहने पर माल आपका है, नहीं तो क्या होगा, बेटे जान गए आप पूरे प्रॉपर्टी हमारी है, जनानी के चक्कर में आपको धक्के देके भगा देंगे। मेरे पास ऐसे केस आए हैं, भूल मत करना ये। आइए, प्रथम गुरु माता पिता, रज बीरज के वो हैं दाता, ये मटेरियल उनका है। अरे ये बिल्डिंग क्या है, अरे भैया बिल्डिंग बनी है RCC, रॉड सीमेंट एंड कंक्रीट, है ना। बॉडी क्या है, रज और बीज, माँ के रज और पिता के बीज से बॉडी है, पिता के बीज से अस्थियाँ बनी हड्डी, माँ के रस से चमड़ी, रक्त, रोम, नाखून आदि ये बने, पूरा मटेरियल उनका है। बॉडी में मटेरियल उनका है, आप हो ही उनके, तभी तो कह रहे हैं मेरा बेटा। वो मेरा क्यों बोल रहा है चेयरमैन साहब, आप क्यों कह रहे हैं मेरा घर। नहीं नहीं, मेरा घर क्यों बोल रहे हैं आप। हाँ बस सीधी बात है, बनाया आपने तो आप कह रहे हैं मेरा घर, इस तरह आपको बनाया उन्होंने इसलिए वो कह रहे हैं मेरा बेटा। मटेरियल उनका है पूरा, किसी भी कीमत में, चाहे वो कैसे हो जाए, 50 गालियां बके छोड़ो, तुम अपना काम किए चलो। दिमाग खराब हो गया उनका, ठीक है, क्योंकि जब बूढ़ा हो जाता है कमर भी झुक जाती है, आंखों की रोशनी कम, दांत गिर जाते हैं, सभी तकलीफें आ जाती है ना। इस तरह ब्रेन पर भी असर पड़ता है, मेमोरी पर असर पड़ता है। वो क्या कहेंगे, अरे उसका क्या नाम है, अरे इतने दिन रहे उसके साथ उसका नाम क्यों भूल गए। मेमोरी पर कम्युनिकेशन वीकनेस आती है। जो मेरी इस बात से सहमत है हाथ खड़ा करना। और ये कब से शुरू होगा, 50 साल से ये खेला शुरू हो जाएगा, बढ़ता जाएगा और 70-75 के बाद तो आधा हो जाएगा मामला, 80 साल पर पहुंच करके ये हो जाएगा 25%। आप देखो ना दुनिया को, इस तरह उनको छोड़ना नहीं है, कभी भी नहीं छोड़ना है। तो आइए, प्रथम गुरु माता पिता, दूसरा गुरु कौन है, वो रज बीरज के, जिन नाम दिया धरा है भाई, जो आपका नामकरण किया वो गुरु है। विजय बहादुर सिंह से ही तो दुनिया इस बॉडी को जान रही है ना, इसी नाम से तो जान रही है ना, इसलिए लोग आकर मुझसे बच्चों का नाम रखवाते हैं। तीसरा गुरु तासे ने कहिए, जिन विद्या दीन पढ़ाए, तीसरा गुरु वो है जिसने आपको विद्या पढ़ाई।
चौथा गुरु कौन है भाई? विद्या ने उसने एक दृष्टि नहीं दे दी? अनपढ़ को अगर रख दो किताब तो पढ़ेगा क्या? कुछ अंधा है कि नहीं है? एक दृष्टि दे ही नहीं उसने। चौथा गुरु तासे ने कहिए, जय कर्मकांड कराया, यज्ञोपवीत किया और कर्मकांड, शादी वगैरह कराया, वो गुरु है छठा। और छठा गुरु तासे कहिए, जिन नाम नाम लखाइया, जिसने आपको ताड़क मंत्र दिया, कुल गुरु है ना, सब पूजनीय है। सातवां गुरु कौन? सबसे तोड़ एक से जोड़ी, सदगुरु तिसका नाम, जो सबसे तोड़कर एक से जोड़ता है। आठवां गुरु भी है, अष्टम गुरु तासे कही, अगम गम्य लखाइया, शब्द गुरु जो आत्मा को परमात्मा तक ले जाता है, वो ठीक वैसे ही है। जैसे भाई आपको एक ने टिकट दी काउंटर पर, उस गुरु उसमें भी आपको कैसे प्रभु मिलेगा मैं बताता हूँ। उस गुरु में कौन सा रूप होगा वो सुनना। वो कहने लगी, ये बंदा बीमार रहता है, मैंने बूढ़े से पूछा, ये आपकी धर्म पत्नी है? बोला ना ना। वो तड़क से बोला, ना जनानी है। उसने सोचा धर्म पत्नी का कुछ और होता होगा, मतलब उसकी गलती नहीं थी। मैं कहा कोई बात नहीं है, मैं तो समझ गया। और बूढ़ी से पूछा, ये तुम्हारे पति देव हैं? बोला ना। उसने कोई देव होगा? बोला बन मर्द। वाह, न पति देव न धर्म पत्नी, मर्द है। ऐसा क्यों हुआ मास्टर जी? जिस संस्कृति में पढ़े उठे ये कहते होंगे, ये जनानी तेरी, ये मर्द है। इस तरह तो आपकी पत्नी ने आवाज़ दिया तो आप नहीं जान जाते मेरी पत्नी? आपने कैसे पहचाना कि आवाज़ मेरी पत्नी का था? भाई ठकुराइन आवाज़ देती होगी विजय बहादुर, आपको आपके सामने है नहीं, कमरे से आवाज़ दिया। साउंड तो भाई बहन का भी है, माँ का भी है, आपने कैसे आइडेंटिफाई किया? देखो आइडेंटिफाई करने की काफ़ी तरीके। बच्चों के पास क्या टेक्नोलॉजी है? वस्तु अमोलक देह में सत्व, ध्यान रखिएगा, अमोलक वस्तु क्या दी? दीन सूरज सहदानी। अगर शास्त्रों में एक बात आई, आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है, गुरु देता क्या है? गुरु का महात्म बहुत है, इतना महात्म है। हमारे तिथि त्यौहार यही तो इंगित करते हैं। ओवरऑल मैं अभी बाइंडअप कर रहा हूँ कि सभी त्यौहारों का एक महत्व है। भाई दूज आती है, इसका महत्व है। करवा चौथ आता है, इसका कुछ महत्व है, प्रासंगिकता है। गुरु पूर्णिमा का एक महत्व है। गुरु पूर्णिमा हमें एक चीज़ इंगित करती है, हमारी संस्कृति में गुरु को परमात्मा से ऊँचा दर्जा दिया गया, माता पिता से ऊँचा दर्जा दे दिया। भाई माता पिता तो पूजनीय हैं, उन्हीं क्या है? कोई कहे साक्षात ब्रह्म दिखाओ, माँ बाप दोनों को खड़ा कर देना, यह साक्षात ब्रह्म। भाई ये बिल्डिंग बनी है किससे? RCC, रॉड कंक्रीट एंड सीमेंट। बॉडी माँ का रज, पिता का बिंदु, इससे बनी है। किसी को परमात्मा ने ऊपर से नहीं फेंक दिया, जाओ विजय बहादुर सिंह और चलो। ये पूरी बॉडी रज बीर से बनी है, पिता के बीज से बोन है, माँ के रस से त्वचा, मांस, रक्त, नाड़ियाँ, रोम और दांत है। यानी ये साक्षात ब्रह्म है, उनके मटेरियल से आप बने हैं। इनसे भी बड़ा गुरु को बोल दिया, अब परमात्मा बड़ा है। क्यों? हमारे जीवन का आधार है,
हम भौतिक संसार में हैं। वायु चाहिए कि नहीं? नहीं तो आप जी पाएंगे? सूर्य चाहिए कि नहीं? पृथ्वी चाहिए कि नहीं? जल चाहिए कि नहीं? अग्नि चाहिए कि नहीं? अगर ऊष्मा नहीं होगी तो जीवन ही खत्म हो जाएगा। प्रकृति ने, प्रभु ने यह सब हमें प्रदान किया है, इसलिए उनका धन्यवाद है। हम सब जब कोई थोड़ी मदद करता है उसको थैंक यू बोलते हैं, तो हमारे जीवन का बेस यही है। पर प्रभु से भी बड़ा गुरु को बोल दिया भाई, माता पिता से भी बड़ा बोल दिया, मामला क्या है? बोलने में, दौड़ने में, तैरने में बराबर ताकत। मैंने शरीर को काफ़ी कष्ट दिया हुआ है, 425 आश्रम में मैं घूमता रहता हूँ, हर जगह विदेशों में भी जाता हूँ। मैं 68 में आर्मी ज्वाइन किया था, उस समय बड़ा कठिन मामला था, कमांडो में था मैं, और बैटल कॉलेज में एज इंस्ट्रक्टर मैं नियुक्त था, जहाँ पूरी इंडियन आर्मी की ड्रिल चलती। तो कमांडो में क्या था, उस समय 40 किलोमीटर की रन थी, पैक में पूरा सामान पिट्ठू में होता था, उसमें खाने पीने का सामान भी होता था। हर 4-5 किलोमीटर बाद पॉइंट थी, वहाँ लेमन पानी प्रोवाइड करते थे, टाइम था इतने में तुम्हें आना है। तो काफ़ी कष्ट सहने के बाद आदमी को फिर नॉर्मल कष्ट कुछ नहीं कर पाता है। तो इस तरह से बंधु, इतनी बड़ी महिमा गुरु की क्यों कह दी? 7 दीप नवखंड में घुरते बड़ा न कोई, क्या बात है। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है, कर्ता करे न कर सके गुरु करे सो। आगे क्या बोल रहे हैं? गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया बसा बताए। गुरु हैं बड़े गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो बार हैं गुरु सुमरे सो पार।